बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। 12 बजे पट खुलने के घंटों पहले से भक्तों की मंदिर के बाहर कतारें लगना शुरू हो गई थी। बता दें कि भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार केवल एक ही दिन के लिए खुलता है। भगवान नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के पट खुलने के बाद सर्वप्रथम पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से नाग चंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। नाग चंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन को भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मिश्रा, प्रशासक मृणाल मीना, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरु और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नाग चंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाते हैं। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की शैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नाग चंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नाग पंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। उज्जैन से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नाग चंद्रेश्वर के नाग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी परंपरा है, भगवान महाकाल का ये जो दिव्य प्रांगण है, दिव्य मंदिर बना हुआ है, इसमें तृतीय तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर स्थापित हैं, जो कि प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। बाकी 364 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं, तो वर्ष में एक बार अवसर आता है। सभी श्रद्धालु बहुत शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस दिन की। तो आज वो क्षण आया, भगवान नाग चंद्रेश्वर के पट खोले गए। सारी विधि परंपराओं के अनुसार हुई। शुक्ल चैती खड़ा महानिर्वाणी की जो परंपरा है, महंत गादी के द्वारा पट खोले जाते हैं, तो उसी पद्धति से पट खोले गए, भगवान से प्रार्थना की गई। उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया गया और पूजन के पश्चात अभिषेक भगवान का किया गया और उसके पश्चात जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी श्रद्धालु आनंद के साथ में भगवान नाग चंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं।